तो कैसे हैं आप लोग? गोस्ट हंटर में नई वीडियो आई है कैरी मिनाती की। ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी वीडियो और मैं ना बनाऊं? तो वो तो मेरे को बनानी थी। वीडियो बहुत मतलब थोड़ी डिफरेंट है और मतलब ये कंटेंट बड़ा अलग है, तो और मुझे बड़ा मज़ा आया वीडियो को देखे। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया मैंने कि यार ये तो बनानी है। इतनी मज़ेदार वीडियो को हम कैसे सोच सकें कि हंस के जैसे पेट में दर्द हो जाए, तो यार सबको हंसना चाहिए ना। तो हम करते हैं स्टार्ट। चलो तो कैसे हैं आप लोग? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे घर कोई शैतानी रूह आ गई तो तुम किसको बुलाओगे? घोस्ट हंटर्स। घोस्ट हंटर को घोस्ट हंटर्स। कितनी ओवर एक्टिंग है। 50 रुपए काटो इनके लोग, मेरे कान में 50 रुपए काटो। इनके कान में फूंक भी मार दो। और मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में भूतों की इतनी वैरायटी है। डेविल बेबी फादर ऑफ घोस्ट, इतनी डिमांड है भूतों की, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी ने भी अटैक कर रखा है। रुको, ज़ैन ऐसे नहीं करो। रुको इधर। कमीज के नीचे चड्डा पहन रखा है। ऐसे ज़ॉम्बी हर ठेके के बाहर मिल जाएंगे। बिग फुट येटी फाउंड इन पाकिस्तान। बस इतने पीछे को चीना। कौन है कौन है? मैंने नहीं देखा। भाई और बहनों, बिगफुट दिखाई दिया, मोदी जी ने दिखाई दिया तुम्हें। मोदी जी ने दिखाई दिया तुम्हें। चूपा काबरा फाउंड इन लाहौर पाके। चूपा काबरा? अब भूत क्या चूपा मार के जाएगा तुम्हारा? आज हम पता लगाएंगे कि क्या उस काले साए में कुछ होता है या नहीं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। अरे अरे क्या कर रहे हो चूपा काबरा भाई? किसी ने मुझे पकड़ के खींचा। ये घोस्ट हंटर है गाइस, देखना इसका। रही है कोई ने खींच रहा है, हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, कोई इनकी छाती पे नाच रहा है, अस्थमा का मरीज होगा, उसको दिल घोषित कर देंगे। हम इस जगह का विजिट करना चाहते हैं, आपका कोई बच्चा कोई फैमिली मेंबर। इतनी घमासान गांड फट रही है तो कर क्यों रहे हो? हर दो सेकंड में कुछ एहसास और महसूस होना शुरू हो जाता है। और बकचोदी देख लो, तीनों अलग दिशा में देख रहे हैं। और जो साइड में शूरवीर फीमेल घोस्ट हंटर है, वह विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बनना चाहती है। मैं कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हूँ, जिससे सबसे ज्यादा इन्हीं की फटेगी। अभी तक कुछ दिखा भी नहीं। दीदी पहले डर गई। क्या हुआ? खुद तो डर रही है, औरों को भी डरा रही है। एक्टिविस्ट से मंत्री बना दे। अभी तो भूत दिखाई भी नहीं दिया है, ऐसे कौवे मारने वाली चीखें मार रही है। अब भूत पकड़ने के लिए डायन कौन ले जाता है? भूत पकड़ने के लिए डायन? ये कौन दुबई से भागा हुआ मजदूर है? इधर जैसी धूत बना रखी है, ये क्या घंटा डराएगा? सहमा हुआ लग रहा है। और घोस्ट हंटर की आवाज है, सुन लो, ऐसा लग रहा है कोई भूत सेक्स कर रहा है। आवाज तो वैसे ही आ रही है हाफ। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो इनकी जमीन है। कौन कहता है ये मेरा घर है? यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे कैसे खेल रहे हैं? कौन से बच्चे? दुनिया को हम जैसे तैसे झेल रहे हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। रहूंगा वही है तू जहाँ पे। चले जाओ, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे। हम चले जाएंगे, आप बताओ क्यों रहते हो यहाँ पे, क्या वजह है? मेरा घर है, ये तो इनकी जमीन है। भूत के कान कमजोर हो रखे हैं, अगर तुम मरने के बाद अपाहिज बन जाओ तो भूत बनने का फायदा क्या है? ऐसी बात नहीं मानेगा। ये तो स्ट्रेंजर्स का माइंड है। पाब्लो एस्कोबार डॉक्टर स्ट्रेंज बनना चाह रहा है, पर तो कुछ रहा नहीं है, बस उंगली घुमा लो। और जब भैया घोस्ट हंटर चिल्ला रहा था तो भूत के कान कमजोर थे, अब जब वो खुसर पसर कर रहा है तो अगले का शरीर भस्म हो रहा है। अरे भूतनी के, वो भूतों की इज्जत डुबा रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या लोगे यहाँ से? हमसे भूतों की बेइज्जती हो रही है। चाहिए नहीं, मुझे 50 भैंसों का। नहीं 50 नहीं चाहिए, ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं। मुझे लगा ये भूत पकड़ने आए, यहाँ तो सौदे बाजी चल रही है। यहाँ तो बार्गेनिंग हो रही है यार, भूत भी बार्गेनिंग कब से करने लग गए। 50 पे ले आया और उंगली ऐसे हथियार की तरह दिखा रहा, जैसे गोली मार देगा। जरा सोचो, आपको भी कुछ हो रहा है? घोड़े बेच के सो रहे हैं, बताइए। दुनिया के किसी कोने में ऐसी भेड़ी नौटंकी चल रही है। मत पढ़ो, सच में यार हमारी आदमी जा रही होती है, ये लोग ये कर रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। बकरा यहाँ पे, क्या ये कबूल है आपको? एक भैंस भी नहीं, बकरे पे आ गया। ऐसा नाड़ी में पहली बार देख रहा हूँ जो मरने के बाद भी नुकसान में जी रहा है। ऐसे सस्ते बेकार लोग नहीं, इससे अच्छा तो मरना ही है इतनी बेइज्जती के बाद भी। लाया है दिवाली सेल,
जैकेट्स, हुडीज, बैग्स आदि तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स पे 40% का डिस्काउंट और एक्टिव फॉक्स ने गेमिंग ऐसा भूत होना चाहिए सारे चिल्लू भर पानी में मर जाना डूब के और इनके सारे प्रोडक्ट्स भी बार्गेनिंग करते हैं यार जाओ जाके लो बे मैंने पहली बार देखा भूतों को बार्गेनिंग करते हुए सस्ते बिकाऊ लोग तुम जा सकते हो सस्ते जाओ निकलो भूत उसके कहने से जा रहा है आ रही है अगला प्लीज और कह रहा है अपनी भूत की कोई इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है भूत को कह रहा है जाओ तो और वो चला भी गया बच्चों हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती है अगर तुम पूरी शिद्दत से इससे से ये शिक्षा मिलती है मुझे तो तुम कर सकते हो चाहे वो गांड जीवित हो या मरी हुई अब चलते हैं दूसरे गोश्त हंट ये भूत कम गोरिल्ला ज्यादा लग रहा है इन भूतों से सही में डर लगने लगा है आज टांग उठाइए कल को घोड़ी ना बना दे ऐसा कर रहा है कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान याद हो के बाद भूत है विक्टिम कार्ड खेल रहा है और घोस्ट हंटर भी तो घने बकचोद हैं भूत के साथ कबड्डी खेल रहे हैं चल 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 भूत को कौन अगली बार उठे हमारे साथ चलो अपने यहाँ पे कानून जारी कर दो पहले ये घोस्ट हंटर थे अब ये कानून बन गए हैं अब है सप्तर्षि हैंडल हो पुलिस पकड़ने आई है भूत पकड़ने आई है चोर पकड़ने आए चोर को भूत पुलिस पकड़ने आई भूत को तो घोस्ट हंटर पकड़ने आते चौकीदार की इज्जत सीधे वाली चाहिए कर लिए सबके अलग अलग ही बना दिया क्या था क्या नहीं इतना क्रिंज भूत कब से ऐसे ऐसे हरकतें करने लग गए ये काला जादू नहीं करता ये खुद काला जादू है एक तो बाल के नाम पे जो मस्करी झाटे लटका रखी है ना अगले को किलो से ज्यादा शकल छुपाने की टेंशन है हाँ बेचारा यूं करके बैठा है कि मेरी शकल ना दिख जाए असली इतना बड़ा आदमी इतने से इंसान के ऊपर चढ़ा पड़ा पिलोटे की तरह लड़ रहा है अबे तुम कानून बनने आए थे खातून घोस्ट हंटर और भूत से ज्यादा मियां बीवी का रिश्ता लग रहा है लेकिन डर का सामना करने वालों की फटके चार नहीं होती और गांड में उंगल करने वालों की कभी हार नहीं होती ऐसे कौन भूत को पकड़ के ले जा रहा है लग रहा है इंसान को पकड़ के ले जा रहा है जिंदा हो गई भूत को पकड़ने के लिए ऐसे हथियार आते हैं क्या आवाज है पिल्ला टायर के नीचे आ गया क्या पाकिस्तान में भूत से बढ़िया तो बकरे की जिंदगी है ऐसी रगड़ा देख के तो मुजरिम भी साधु बन जाए क्या दोगे पैसे 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 दोगे किन ना चाहिए पैसे दोगे भूत को पैसे चाहिए 1 करोड़ 2 करोड़ कितनी चाहिए अपने को साले खंडर में रह रहा है पहले 1 करोड़ फिर 2 करोड़ जीतने के बाद भी मान नहीं रहा है जैसी इसकी हालत है ये शरीर के सारे पुर्जे बेचने जाएगा तब भी 5 लाख से ऊपर की कहानी नहीं है नहीं आएगी नहीं आएगी निकलाएंगी तो बच्चों इस वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है चाहे भूत हो या इंसान पकड़ा तो गरीब ही जाता है खैर हम ये भी देख लेते हैं हमारे यहाँ की घोस्ट हंटिंग कैसी है चार्ली चार्ली की सड़कों पे विदेशी भूत बुलाया जा रहा है और ये भूतों के क्या नाम है चार्ली जॉनी पीटर लौड़ा लसन और ये इतने पढ़े लिखे हैं तीनों के स्पिरिट अलग है शहर में 1000 शिक्षा केंद्र और खुल जाए लेकिन जब दिमाग ही लंडन तो सरकार भी क्या कर लेगी भाई चलो 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 गाड़ी एक्चुअली हुआ क्या मैं समझ नहीं पाया सारे भागे मंडल को पता ही नहीं है भागा क्यों सारी दुनिया चाहन की बुद्धि नहीं क्यों दे रखी है उसको ही समझ में आया नहीं लगता है इलोन मस्क किसी रॉकेट का नाम है मैं समझ नहीं पाया यार बंद करो ये कमरे बमरे बंद करो कमरे बमरे अरे दीदी कैमरे दीदी कैमरे कमरे नहीं कैमरे और आप कार में बैठी हो किसी रूम में नहीं बैठी शरीर में चूजे का दबाव दे रखा है और कैमरामैन देख लो कतई चिल बैठा है क्योंकि उसकी आंखों ने जो घनघोर चूतियापा देख रखा है ना अब उसे फर्क नहीं पड़ता इसी के साथ मैं नहीं चाहता कोई स्पिरिट हमारे साथ हमारे घर तक जाए कौन सी स्पिरिट तेरे घर जाना चाह रही है तेरी गाड़ी में छलावाना बैठे भूत तो बहुत दूर की बात है अगर इसके घर मुक्ति भी मिल रही है ना तो गांड मरा है मुक्ति तो बच्चों हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिल शिक्षा की ही तो कमी है बस भैया बस मुझे मुक्ति दे दो इससे ये शिक्षा मिलती है कि पहले पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब उसके बाद बनाएंगे भूत स्प्रिट समझ रहे हो 6 मिलियन लाइक्स और भैया दिवाली आ रही है समझ रहे हो 40% भी चल रहा है तो बिकाओ कैरी कोड का इस्तेमाल करो बे अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे अरे तो फिर अभी तो 9 मिनट पहले अरे भाई मोहित 40 मिलियन करवा दे वरना इसके चूपे नहीं रुकेंगे बुरे की क्या बात है इसमें आप देखो जो भी मन में है मैं तो बता देता हूँ अब तुम बताने के लिए बताती हो तुम ये बोल रहे हो छोटे हैं मतलब क्या तुम छोटे होते नहीं छोटे हैं छोटे होते हैं लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं मुझे नहीं पता ओ भैया को बड़े अच्छे लगते हैं बड़े
अच्छे लगते हैं, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि बड़े अच्छे लगते हैं। वीडियो बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ेदार है, तो गाइस प्लीज़। और हाँ, आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि हमें लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भर भर के वॉच आवर दे रहे हो, और सब्सक्राइब तो इतना करना है कि ठोक दो बेल आइकन, यही शिक्षा मिलती है हमें। और साला इतना क्रिंज, मैंने पहली बार देखी ये वाली वीडियो, ऐसी मैंने सच में नहीं देखी थी। पाकिस्तानी गोस्ट और जो भी है इंडिया की भी इससे इतनी बकवास है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वो दोनों ही क्रिंज है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमें सपोर्ट करना, और प्लीज़ कैरी मिनाती फैन सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।